वैल्यू ऑफ फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, इसमें पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स बेस बी। तो मान लें कि हमसे पूछे कि एफ ऑफ टू, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह टू डाल देंगे। यहाँ से क्या होगा, लॉग टू बेस ई। इसी तरह अगर हमसे पूछ ले एफ ऑफ बी, तो हम एक्स की जगह क्या डाल देंगे, बी। तो लॉग ऑफ लॉग बी बेस ई। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया रहा था कि एफ ऑफ एक्स बाई वाई, तो हम क्या करते, एक्स की जगह एक्स बाई वाई डाल देंगे। तो लॉग एक्स बाई वाई बेस ई, ये क्या होगा, लॉग एक्स बेस ई माइनस लॉग वाई बेस ई। और लॉग एक्स बेस ई क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक, ये क्या है, एफ एक्स। और लॉग ऑफ वाई बेस ई क्या होगा, एक्स की जगह वाई डाल देंगे, तो क्या है, एफ ऑफ वाई। ठीक, यानी कि एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या मेरा आ गया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। अब देख क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन रहे कि इफ एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, देन फाइंड एफ ऑफ ए वाई बी अपॉन एफ ऑफ बी वाई ए। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह सॉरी एफ ऑफ ए वाई बी, तो क्या होगा, एक्स की जगह ए वाई बी डाल देंगे, और एफ ऑफ बी वाई ए, तो एक्स की जगह हम क्या डालेंगे, बी वाई ए डालेंगे। तो एफ ऑफ ए बाई बी कितना होगा, एफ ऑफ ए बाई बी होगा ए बाई बी अपॉन ए बाई बी प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी भी तो कैंसिल आ जाएगा, तो ये आएगा एफ ऑफ ए सॉरी ए बाई ए प्लस बी। और हम फिर निकालेंगे एफ ऑफ बी बाई ए, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, बी बाई ए, तो क्या होगा, बी बाई ए अपॉन बी बाई ए प्लस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख b अपॉन a a कैंसिल हो जाएगा, जब LCM ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस a। अब हमसे हमें क्या पूछा गया, f ऑफ a बाई बी अपॉन f ऑफ b बाई ए, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ a बाई बी अपॉन f ऑफ b बाई ए। ये क्या होगा कि a बाई f ऑफ a बाई बी कितना है, a बाई a प्लस बी, और f ऑफ b कितना है, f ऑफ b बाई ए कितना है, b अपॉन b प्लस बी बाई ए प्लस बी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आएगा, ए बाई बी आएगा। एफ ऑफ ए बाई बी अपॉन एफ ऑफ बी बाई ए क्या आया, मेरा ए बाई बी आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स ये बराबर है बी ऑफ इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड एफ ए एफ बी और एफ ऑफ ए प्लस बी। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, पहला मेथड वन क्या है कि हम एफ ऑफ ए के लिए एक्स की जगह ए डाल देंगे, तो ए माइनस सी ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ ए डालेंगे तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एफ ऑफ ए कितना आएगा, ए आएगा। अच्छा, जब एफ ऑफ बी की बात आएगी तो हम एक्स की जगह बी डालेंगे, तो बी माइनस ए, और इधर भी बी माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी कितना आएगा, बी आएगा। हाँ, बी आएगा, और यहाँ बी डालेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक्स की जगह ए प्लस बी डालेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी डालेंगे और माइनस से ये कैंसिल होगी, ये मेथड वन है। ठीक, डायरेक्ट एक्स की जगह ए पुट कर दे, बी पुट कर दे, और ए प्लस बी पुट कर दे। मेथड टू हम ये कर रहे हैं कि मेथड टू में सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं,
तो सिंपलीफाई इसको करेंगे तो ये एफ एक्स दिए हुआ है, तो यहाँ क्या है बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। अब हम नीचे भी बी माइनस ए लाना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो बी माइनस बी दोनों में आ गए यानी एलसीएम ले लिए तो ऊपर क्या बचा बी एक्स माइनस का ए बी ठीक, और माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल हो गया तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स कॉमन लिए तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए बी माइनस ए कैंसिल हो गया तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया ए सॉरी एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स के बराबर। जब एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर आ गया तो हमसे क्या पूछा एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या होगा एक्स के जगह ए डाल देंगे यानी कि देख एफ एक्स आ गया मेरा एक्स तो एफ ऑफ ए क्या होगा ए, एफ ऑफ बी क्या होगा बी, और एफ ऑफ ए प्लस बी क्या होगा एक्स के जगह ए प्लस बी डाल देंगे तो एफ ऑफ ए प्लस बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देख एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन ठीक, ये हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ क्या एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ये मेरा इक्वेशन आए वो x प्लस वन बाई एक्स के रूप में आ जाए ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स को रहने देते हैं। अब यहाँ पर देख हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस टू और माइनस टू करेंगे ठीक। अच्छा प्लस टू की जगह हम क्या करते हैं x इंटू वन बाई एक्स और माइनस का टू। अच्छा देख इसको देख ये क्या लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी सॉरी टू ए बी लिखा हुआ, तो ये क्या लिखा है x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का टू, ये मेरा क्या आया x प्लस वन बाई एक्स आया। अब हम x प्लस वन बाई एक्स की जगह क्या करते हैं t डाल देते हैं तो मेरा क्या आया f ऑफ t कितना आया f ऑफ t जो आएगा मेरा वो आएगा t स्क्वायर माइनस का टू। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन f ऑफ x माइनस वन, तो हम क्या करेंगे t के जगह x माइनस ए डालेंगे क्योंकि देखिए ये एफ एक्स क्या होगा एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब हमसे पूछा एफ ऑफ एक्स माइनस वन, तो हम x की जगह क्या सॉरी x की जगह क्या कर देंगे x माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहाँ t है तो हम x माइनस वन सॉरी t की जगह x माइनस वन कर देंगे तो यहाँ से क्या आया x माइनस वन का स्क्वायर और माइनस का टू, यही मेरा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कोरोना का काल है तो आप लोग मजे लीजिए इस पढ़ाई का ठीक। मेरा क्वेश्चन है कि f ऑफ x माइनस वाई इन टू एक्स प्लस वाई बराबर है x इंटू वाई, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड am ऑफ यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ f x into y and f of y into sorry into नहीं है y का फंक्शन है और y x का फंक्शन है, इसका हमको am निकला है जब मेरा ये f of इतना बराबर इतना है तो ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं x माइनस वाई के जगह u मान लेते हैं और x प्लस वाई के जगह b मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यू भी पी टी कुछ भी मान लेते हैं, तो हम पी ही मानते हैं पी से प्रियंका चोपड़ा ठीक।
तो x माइनस वाई के जगह p मान लिए और x प्लस वाई के जगह n मान लिए। प्रियंका, n से निक, उसके पति का नाम है। ठीक, अब देख इस दोनों को सॉल्व, इस दोनों को ऐड करेंगे, तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कितना आएगा 2x, और माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा p प्लस n। अच्छा, तो x बराबर क्या आ गया मेरा p प्लस एन वाई टू आ गया। अब देख इस दोनों को घटा देते हैं, तो हम फर्स्ट में से इस इक्वेशन में से इसको घटा दिए, इसमें से इसको घटा दे, बतवा बराबर है, लेकिन हमको हम इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो देख x x कैंसिल हो जाएगा, और y में से y गया तो 2y, y में से माइनस का y गया तो 2y, और इधर क्या आएगा n माइनस पी आएगा। ठीक, तो y बराबर मेरा क्या आ गया n माइनस पी बाई टू। ठीक, अच्छा हमें तो ये निकालना है, क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू वाई निकालना है, तो हम क्या करते हैं x माइनस वाई को p माने हैं और x प्लस वाई को n माने हैं, तो ये मेरा क्या आएगा एफ ऑफ, इसको मैंने p माना था, एफ ऑफ p इंटू n, p से प्रियंका चोपड़ा, n से निक जोनस, उसके पति का नाम है, तो मैंने दोनों को कपल को ले लिया है। अच्छा, तो हम p के जगह अब हाँ x के जगह मेरा कितना आया p प्लस एन वाई टू, तो p प्लस एन वाई टू, और y के जगह कितना आया है मेरा n माइनस p बाई टू, तो ये कितना आ रहा है पी एस, अच्छा ये क्या रहा है, इसको p प्लस एन को n प्लस पी लिख देते, बतवा बराबर ही है n प्लस पी, तो ये क्या रहा है एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई फोर, एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई फोर, ये क्या रहा है एफ ऑफ p माइनस p n, यानी पी एन एक फंक्शन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर p और n को x y से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम p को x से रिप्लेस कर दिए, p को हमने x से रिप्लेस किया। ठीक, तो ये मेरा फंक्शन क्या आएगा x, और फिर n को हम y से रिप्लेस कर देते हैं, तो ठीक, तो f ऑफ x कितना आ रहा है मेरा n, n को मैंने y लिया तो y स्क्वायर माइनस x के जगह p के जगह x लिया है तो x स्क्वायर बाई फोर, और हमसे f ऑफ y x कितना आएगा, तो f ऑफ y x ये फंक्शन कितना आएगा मेरा, तो हम इसके जगह क्या करेंगे y, अच्छा y मैंने इस बार किसको माना है p को माना है, तो y मैंने p को माना है और x मैंने n को माना है, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई फोर। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि am ऑफ इतना इतना, अच्छा था am ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या होता है, a एंड b का अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई टू। ठीक, तो am ऑफ इतना प्लस इतना क्या होगा, am ऑफ इतना एंड इतना क्या होगा, इस दोनों का सम बाई टू, तो am ऑफ f x y एंड एफ ऑफ वाई एक्स, ये क्या होगा इस दोनों का सम बाई टू, तो इस दोनों का सम यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ वाई एक्स बाई टू। अब ये कितना आया है, ये आया मेरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, और ये कितना आया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर अपॉन टू। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर बाई फोर और ये एक्स स्क्वायर बाई फोर कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर बाई फोर, ये भी कैंसिल हो गया, तो ए एम ऑफ एफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स कितना आ गया मेरा जीरो के बराबर आ गया।